पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण कर रहे हैं, साथ ही दान पुण्य का सिलसिला भी जारी है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग जिले के रामनगर मुक्ति धाम में 40 से ज्यादा ऐसे ज्ञात अज्ञात दिवंगत हैं, जिनकी अस्थियां 20 साल से पहले से लेकर अब तक मुक्ति धाम में रखी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज ने कुछ दिन पहले खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब इन अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित करने दिव्य ज्योति सेवा समिति ने बीड़ा उठाया है। इसे लेकर कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। दरअसल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार व्यक्ति के अमृत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का संग्रहण कर मुक्ति धाम में रखा जाता है, जिसके बाद उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार गंगा जी में विसर्जित करता है। तो जो कोई गंगा जी नहीं जा सकते, वे लोग स्थानीय नदियों में ही प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि अस्थि कलश के विसर्जन के बाद ही मृत आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यकीन मानिए दुर्ग जिले के रामनगर मुक्ति धाम में अब भी 41 कलश ऐसे पड़े हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति के परिजनों ने अब तक इनका अस्थि विसर्जन नहीं किया है, जिसके कारण अब रामनगर मुक्ति धाम की अलमारियां भी इन अस्थि कलश से भर चुकी है। आपको बता दें कि रामनगर मुक्ति धाम में वर्षों से विसर्जन के लिए रखे गए लोगों के दिवंगत परिजन की अस्थियां उनका इंतजार अभी कर रही है, लेकिन शायद परिजन अस्थियां रखवाकर या तो भूल गए हैं या फिर खुद विसर्जन नहीं करना चाहते, जिसके चलते अस्थियों के सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी में लगे लोगों के लिए अब इन अस्थियों का अंबार सरदर्द साबित हो रहा है। नतीजतन नगर निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि वो अपने दिवंगत परिजन की अस्थियों ले जाएं, संस्था को देकर विसर्जन करवा दी जाएगी। वही बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के पश्चात मृतकों के अस्थि कलश को विधिवत विसर्जन हेतु परिजन लेकर जाते हैं, लेकिन कई परिजन कुछ दिन बाद आते हैं, इसलिए अस्थि को मुक्ति धाम के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों से बहुत से मृतक के परिजन अस्थि लेकर नहीं गए, जिसमें से कई अस्थि कलश तो 2008 के भी पहले के हैं। जो अस्थि कलश अभी अपने मुक्ति की बात जो रहे हैं, मुक्ति धाम के केयरटेकर कृष्णा देशमुख का कहना है कि सुपेला मुक्ति धाम में 40 अस्थि कलश रखे हुए हैं। इनमें से 15 अस्थि कलश साल 2004 से पहले से लेकर 2020 तक के हैं। अस्थियां जो है, मेरे पास जो अस्थियां हैं उसमें कुछ रिकॉर्डेड है, वो 2004 के एक है, उससे पहले की भी है, जिसमें उसमें डेट वगैरह लिखा नहीं हुआ है। और 24 अस्थि कलश जो रखी उसमें नाम है, कुछ में तारीख लिखा है, कुछ में तारीख नहीं लिखा हुआ है। किसी का पति का नाम मिसिंग है। और 17 अस्थि कलश जो है वो तो बिल्कुल ब्लैंक है, समझिए कोई नाम वाम नहीं है, ना कब का रखा है, कैसा है, ये सब जानकारी नहीं है। हम लोग नगर निगम जो है यहाँ पर 2008 में लकड़ी योजना जब चालू हुई तब से आई है, उसके पहले का ही है अस्थि जो है, कुछ अस्थियाँ जो है। लोगों से यही अपील करते हैं, कुछ जिन लोगों का नाम जो दिया हुआ है वो आके ले जाए। अभी एक दिव्य ज्योति संस्था है, वो उसकी डिमांड की है विसर्जन करने के लिए, जो है रीति हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विसर्जन करें, ऐसा करके आवेदन वगैरह दिया हुआ है। उसके संदर्भ में अभी पेपर वगैरह में दिया है, आज का पेपर में दिया हुआ है। ये लगभग 20 साल मान लीजिए, 2004 के लिखा हुआ तो अब 23 और लगभग 20 साल मान लो। दिव्य ज्योति सेवा समिति के प्रमुख मदन सेन ने बताया कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, अस्थि कलशों के विसर्जन के लिए आयुक्त से अनुमति मांगी गई है, उनके आदेश के बाद तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्थियों का पूरे विधि विधान से और हिंदू रीति रिवाज से विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए तीर्थ राजिम और शंकर दरहा का विकल्प रखा गया है, इसके लिए साल 2014 से ही मांग की गई थी, लेकिन निगम प्रशासन ने दिवंगतों के परिजनों को एक बार सूचना देने का प्रयास करने की बात कही थी। जी, दिव्य सेवा समिति के माध्यम से हमने अपील किया है कि जो अस्थियां मुक्ति धाम में रखी गई है, मैंने इसको 2014 से मांग कर रहा हूँ, वहाँ पे अस्थियां लगभग 40 अस्थियां रखी हुई है और जो परिजन नहीं लेके गए हैं उनका विधिवत हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका विसर्जन हो जाए, ऐसा मेरा मांग था 2014 से। चूँकि अभी दिव्य ज्योति सेवा समिति के माध्यम से पुनः आवेदन लगाया था, जिस पर कमिश्नर साहब ने उसमें संज्ञान में लिया है, और संज्ञान में लेने के बाद में वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, मात्र अनुमति पत्र हमारे को जैसे ही मिले, पितृपक्ष चल रहा है और हम इस पितृपक्ष में उसे विसर्जित करने के लिए दिव्य ज्योति सेवा समिति के माध्यम से हम जा रहे हैं। इस समिति के माध्यम से हम लोग तय किए हैं कि राजिम है और एक नाथगांव के आसपास में और ऐसा स्थान है, तो हम दो स्थान चयन किए हैं, उसमें एक स्थान अपन उसमें लेके जाएंगे। पत्रकार के माध्यम से पत्र कि ये पता चला था कि ये जो अस्थियां हैं कई वर्षों से रामनगर मुक्ति धाम में रखा हुआ है,
किसी कारणवश परिवार के लोग इस अस्थि को ले जा करके इसका विसर्जन नहीं कर पाए हैं, तो हमारी समिति के ने काफ़ी प्रयास करके कि भाई जो अस्थियाँ रखी हुई है उस अस्थिया का विधिवत पूर्वक इसका विसर्जन किया जाए। हमारे समिति के प्रमुख जो प्रशासनिक कार्य को देखते हैं भाई मदन सेन जी, इस विषय में काफ़ी दिनों से अपना प्रयास में लगे हुए थे। चूँकि अब जा करके वो समय आया है कि विधिवत पूर्वक उस अस्थियों को समिति के द्वारा विसर्जन की तैयारी की जा रही है, तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जिन भी परिवार इस अस्थि को किसी भी कारणवश नहीं ले जा पाए हैं, वो भी अगर इस चैनल के माध्यम से सुन ले या जानकारी मिले तो वो हमारी समिति में सम्मिलित हो करके इस कार्यक्रम में आए, और जो भी इसका कार्यक्रम को करने की जो जिम्मेदारी है वो दिव्य ज्योति सेवा समिति ने ली है, तो उन परिवार को भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि वो आ करके हमारी समिति से जुड़ करके विधिवत पूर्वक वो भी इस कार्य को करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।